कट्टे की नोक पर कंप्यूटर संचालक से बदमाशों ने की मारपीट और लूट। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र के ढेकाहा मोहल्ले की है। ये घटना आपको बता दें कि रीवा शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत ढेकाहा मोहल्ले में कंप्यूटर संचालक से मारपीट कर लूट का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित कंप्यूटर संचालक ने मामले की शिकायत सिविल लाइन थाने में दर्ज करवाई है। घटना के संबंध में कंप्यूटर संचालक अभिराज पुरवार ने बताया कि दुकान के पास कुछ युवक एक दूसरे के साथ मारपीट कर रहे थे, जिस पर उसने दुकान के सामने मारपीट करने से मना किया। इसके कुछ ही देर बाद आधा दर्जन युवक बाइक से पहुंचे और मारपीट करना शुरू कर दिए। पीड़ित ने ढेका और विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के दो आरोपियों के नाम भी पुलिस को बताए हैं। पीड़ित ने बताया कि घटना में शामिल आरोपियों ने उसके सोने की चैन एवं डायमंड की कान की बाली भी लूट ले गए हैं। घटना की शिकायत के बाद सिविल लाइन पुलिस मामला पंजीबद्ध कर आरोपियों की तलाश कर रही है। सीसीटीवी में कैद हुई घटना ढेकाहा मोहल्ले में कंप्यूटर संचालक के दुकान के सामने हुई मारपीट की घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया में वायरल हुआ है। बताया गया कि घटना शाम करीब 4:30-5 बजे की है। युवक के साथ मारपीट करते आरोपी सीसीटीवी कैमरे में नजर आ रहे हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर रही है। क्या नाम भैया आपका? अभिलाष पुरवार। क्या घटना क्या हुई आपके? घटना मेरी दुकान के सामने दो लोगों की बहस हो रही थी, तो मैंने जाके उनको अलग कराया, तो उसके बाद मेरे से मारपीट की है। मेरी चैन और मेरे कान का बाली सब लूट के ले गए हैं। मेरे को गन ताने थे मेरे ऊपर। विवाद कैसे शुरू हुआ? विवाद दो लोगों की हो रही थी। मेरी दुकान के सामने बाइक लेके निकले हैं, तो कटवट जो भी लगा हो, तो बच्चे को मेरी दुकान के सामने ही बहुत गंदे तरीके से मार रहा था। मैंने मना किया उसको कि भाई यहाँ जो फालतू लड़ाई झगड़ा ना करो कॉलोनी में। तो उसके बाद फिर मुझसे लड़ाई विवाद करने लगा। वो लोग करहिया साइड भाग गए हैं। जानते हैं आप उनको? दो लोगों को मैं जानता हूँ। ये कल एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें ढेका के पास का एक जगह है, वहाँ पे एक व्यक्ति के साथ पहले दो लोग आके उसके साथ मारपीट किए और फिर दो अन्य लोग मोटरसाइकिल से आए उसके साथ मारपीट किए, जो पूरा वीडियो अवेलेबल था जो कि वायरल भी होता। और इसमें जो फरियादी आया था थाने पे, तो उसमें हमने चार लोगों के खिलाफ इसमें हमने कायमी किया है। विभिन्न धाराओं में 327 मारपीट और अन्य धाराओं में इसमें कायमी किया है। इसके अलावा एक अन्य फरियादी भी आया था जिसके साथ भी इन्हीं लोगों ने मारपीट किया है, जिसमें हमने SC ST और धाराओं में उसमें कायमी की है। और इन अपराधियों की पतारसी की जा रही है और इनको गिरफ्तार करने प्रयास किया जा रहा है, और जो भी पाया जाएगा उस हिसाब से अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी। इसमें एक ये भी दिख रहा है कि एक कट्टे के उसे बट से भी या उसे मारा गया है, और जो बहुत चांस है कि वो अवैध कट्टा है, अवैध अस्त्र है, और उसके आधार पे भी इसमें पतारसी की जा रही है। और जो जिसके पास भी पाया जाएगा, जिसको जो भी सोर्स होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसमें आरोपी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। एक दो संदेहियों का भी हमने अभिरक्षा में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और आरोपियों तक पहुँचने का प्रयास।